मैं मनु साहू और आप देख रहे हैं द स्कूप बीट्स डॉट कॉम। यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है मौलाना कलीम सिद्दीकी को। जी हां, इस्लाम का पाठ पढ़ाने वाले मौलाना कलीम सिद्दीकी को मेरठ से यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर यह आरोप है कि गैर कानूनी तरीके से वो विदेश से पैसा मंगाते थे और उस पैसों से लोगों का धर्म परिवर्तन कराते थे। मौलाना के करतूतों के पन्ने पलटते ही ये साफ नजर आता है कि मौलाना जन्नत का लालच और जहन्नुम का डर लोगों को दिला के उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। इस्लाम का पाठ पढ़ाते थे कि जो इस्लाम में अपना परिवर्तन नहीं कराएंगे उनकी ज़िंदगी का मकसद सही नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने एक रिपोर्टर से ये बोला कि बीजेपी सरकार को मुसलमानों को नुकसान और परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं है। तो जनाब, मैं आपसे कहूंगी, समाजवादी पार्टी को इतना समय नहीं है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, लेकिन उनके पास इतना समय है कि बीजेपी को किस तरीके से गिराना है वो उनको आता है। मौलाना कलीम सिद्दीकी तो अल्लाह पाक का नारा लगाते रहते हैं और वो ये कहते हैं कि अल्लाह पाक उनको ये हिदायत देता है कि जो इस्लाम में अपना परिवर्तन नहीं कराएंगे उनका आगे चल के नुकसान है। तो मैं ये मौलाना से कहना चाहूँगी कि आपके अल्लाह पाक ने आपको ये जन्नत और जहन्नुम को आपकी गोद में नवाजा है क्या? यूपी एटीएस ने बुधवार 31 सितंबर को उमर गौतम को भी हिरासत में ले लिया है। वो भी धर्मांतर के आरोप में सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से सामने आए हैं। उनके अकाउंट में 57 करोड़ की राशि फंडिंग के तौर पर पाई गई है, लेकिन जब उनसे उसका ब्यौरा मांगा गया तो वो ना दे सके। यूपी पुलिस का कहना है इसमें देश के कई नामी लोग और संस्थाएं भी साथ में जुड़ी हुई हैं और अभी कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन आयुष श्रीवास्तव के साथ मैं मनु साहू, द स्कूप बीट्स डॉट कॉम।